अरविंद केजरीवाल को जहां पर बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से अतिक्रमण हटाया जाएगा, इस तरह से बुलडोजर हटाया जाएगा तो दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा टूट सकता है, आप गलत तरीके से बुलडोजर चला रहे हैं, और बुलडोजर को लेकर उनकी ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। और अब वापस अपनी खबर पर आते हैं, हम बात कर रहे थे उफ इस गर्मी को लेकर अलग अलग जगहों से, हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और पूरा हाल आपको बताएंगे। हमारे साथ में कुलदीप भारत हैं, संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, और साथ ही पवन तिवारी हमारे संवाददाता है लखनऊ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, रोहित मिश्रा रायपुर से, और सुनील हमारे साथ में है, सुनील मालवीय भोपाल से, सुमन मीणा हमारे साथ में है जयपुर से। सबसे पहले दिल्ली से शुरुआत करते हैं। कुलदीप, दिल्ली की बात करें तो सबसे गर्म कल दर्ज किया गया है, दिल्ली जलता हुआ नजर आ रहा है, क्या हालात हैं फिलहाल गर्मी के? जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल राजधानी दिल्ली में आसमान से आफत बरसी थी, बुरी तरह आग बरसी हुई थी, क्योंकि कल दिल्ली का जो तापमान था पूरी दिल्ली का छोड़कर उत्तर पश्चिमी दिल्ली के अंदर नजफगढ़ के अंदर 49 डिग्री सेल्सियस तापमान, अधिक उससे अधिक तापमान वहां दर्ज किया गया था। लोगों का गर्मी से आप बुरा हाल हो रखा है, क्योंकि इसी मौसम वैज्ञानिक जो राइनर जेनामनी है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये गर्म हवाएं चलती रहेंगी, फिलहाल दिल्ली को कोई राहत नहीं मिलेगी, और आज धूल भरी आंधी और बारिश के साथ थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन जो विक्षोभ पश्चिमी विक्षोभ हवाओं के कारण इस बार बारिश की कमी भी देखी जा सकती है। फिलहाल जो राजधानी के अंदर दिल्ली का पारा जो कल दर्ज किया गया वो 1951 के बाद 70 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ते हुए 49.2 डिग्री सेल्सियस उत्तर पश्चिमी दिल्ली के नजफगढ़ के अंदर दर्ज किया गया, और गर्मी की आफत से जो लोग हैं उनका बुरा हाल हो रहा है, लोगों का घर से निकलना भी दुश्वार हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो इस गर्मी को झेल नहीं पा रहे जिस तरह से गर्मी बरस रही है। जी बिल्कुल, यानी हालात जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर खराब नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में पवन भी लगातार बने हुए लखनऊ से। पवन, अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर भी बेहद गर्म कल तापमान जो है वो देखने को मिला है, और लगातार बढ़ती जा रही है गर्मी, इसके साइड इफेक्ट जो है वो क्या कुछ देखने को मिल रहे हैं लखनऊ में? पवन, आपकी आवाज, अधिकतम तापमान है 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है जो, हाँ जी आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। बिल्कुल, आपको बता दें राजधानी लखनऊ में, इस समय जो तापमान है अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन जो उमस जो आर्द्रता बढ़ी है, जो अभी कुछ दिन पहले मई के प्रथम सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ के चलते कुछ जगहों पर बूंदाबांदी और हल्की आंधी तूफान आया था, जिसकी वजह से जो मौसम में नमी आई, आर्द्रता आई है, और जो ये लगातार पारा बढ़ता जा रहा है, 42 डिग्री इस समय पारा है, उस बढ़ते पारे और उमस को लेकर इस भीषण गर्मी यहाँ पर पड़ रही है, आसमान से लगातार आग बरस रही है, लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं, जो इस समय कूलर और पंखे हैं इस समय बिल्कुल राहत नहीं दे पा रहे हैं, और अभी आने वाले दिनों में फिलहाल कोई राहत मिलती हुई नजर भी नहीं आ रही है। इस समय बात करें उत्तर प्रदेश की तो बांदा जो जिला है सबसे अधिक गर्म जिला है, जहां पर अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। बात की जाए प्रयागराज तो 47 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके साथ ही आगरा में इस समय 47 डिग्री सेंटीग्रेड, लगातार तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ गरज चमक के साथ कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन अभी जो ये उमस है इतनी ज़्यादा इस समय उमस पड़ रही है और भीषण जो पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे राजधानी वासी सहित पूरे प्रदेश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। जी बिल्कुल, यानी पूरा प्रदेश जो है वो भीषण गर्मी के चपेट में नजर आ रहा है। हमारे साथ में रोहित मिश्रा जयपुर से, रायपुर से माफ कीजिएगा, बने हुए हैं। रोहित, रायपुर की बात करें तो फिलहाल क्या कुछ हाल गर्मी का नजर आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो पारा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। रोहित से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ में सुनील मालवीय जी हैं भोपाल से। सुनील, फिलहाल भोपाल में क्या स्थिति है, गर्मी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स लगभग तोड़ दिए हर जगह पर? जी देखिए, अगर बात की जाए गर्मी में भोपाल के मध्य प्रदेश की भोपाल में गर्मी ने एक तरफ यू कहे कि लोगों का जीना हराम कर रखा, लोग गर्मी के कारण घर से निकल नहीं पा रहे, गर्मी के कारण जो पंखे चलते थे, जो एसी चलती थी, जो कूलर चलते थे, उनने भी दम तोड़ दिया। बेहनता गर्मी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर में पड़ रही है। भोपाल शहर के कुछ अन्य जिले जहां पर मौसम विज्ञान ने रेड अलर्ट जारी किया है, लू चल रही है, तो गर्मी ने लोगों का जीना बेहाल कर रखा। जी गरिमा, बिल्कुल, यानी गर्मी से जनता बेहाल नजर आ रही है और पूरी तरह से परेशान नजर आ रही है। सुमन मीणा हमारे साथ में है जयपुर से। सुमन, जयपुर की बात करें तो गुलाबी नगरी कही जाती है, लेकिन फिलहाल मौसम गुलाबी है या फिर आग बरसती हुई नजर आ रही है? पर आग ही आग बरस रही है, जितना देखा जाए धूप में नाम आदमी निकलने को परेशान है, धूप में इतनी तेजी है इंसान झुलस रहा है। अगर किसी के यहाँ पे शादी है या कोई भी प्रोग्राम है तो उनका कोई भी वो नहीं हो रहा, कूलर तक फैल है यहाँ पे,
आज अगर हम किसी की शादी में देखें जाकर, तो वहाँ के जो लोग आए हुए हैं वो इस शादी में कितने परेशान हैं। मैम उनसे बात करते हैं अपन कि वो कितने परेशान हैं, यहाँ पे कूलर तक फैन है। आइए हम उनसे बात करते हैं, वो यहाँ पे शादी में जो आए हुए हैं उनको कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। आइए हम उनसे बात भी करेंगे। शादी के अंदर जो तपती धूप के अंदर आज के 2 साल तक जो शादियां नहीं हुई है और अब जो शादी हुई है और जो धूप में इतना वो परेशानी हो रही है उसको देखते हुए मद्देनजर बात करते हैं। आइए यहाँ के जो मेहमान आए हुए हैं मेहमानों से बात करते हैं कि यहाँ पे कैसा महसूस कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। मैम आपका नाम क्या है? यहाँ पे जो शादी कि दिल्ली से आए राजस्थान की गर्मी को देखकर ये बहुत परेशान है, तो कितना फर्क नजर आ रहा है गर्मी के अंदर। इनको दिल्ली में से यहाँ पे राजस्थान में और भी ज्यादा गर्मी हो रही है। गर्मी के कारण आज अगर हम वहाँ देखते किसी के यहाँ खाना भी बनाया जा रहा है तो उसको देखते हुए देखिए कि हलवाई घर जो मतलब एक खुशी से खाना बनाते हैं वो तक इतने पानी में भीगे हुए हैं पसीने में कि लोगों को एक हवा जो पवन चलती थी वो पवन हवा भी उनको नसीब नहीं हो रही है। ये लू को देखते हुए पब्लिक इतनी परेशान है कि बीमार लगे पड़े हैं लोग। ये देखिए शादी में आए हुए लोग हैं बीमार पड़े हैं। ये देखिए शादी में आए हुए हैं ये बीमार पड़े हुए हैं। और खाना बनाते हुए लोग जो कि इतनी चिलचिल सी धूप में खाना बना रहे हैं उनको देखिए। ये देखिए दो आंटी हैं जो शादी में खाना बना रही है इतनी तपती धूप में इतनी गर्मी के अंदर। ये देखिए इतनी परेशानी में खाना बना रही है, ना कूलर है ना पंखा है जबकि यहाँ का टेम्परेचर 39 डिग्री है। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर सुमन यहाँ पर समस्याएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। गर्मी से जनता परेशान है, गर्मी से जनता बेहाल है। लखनऊ से पवन तिवारी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। पवन, अगर लखनऊ की बात करें तो हमने देखा है कि लखनऊ की सड़कें हमेशा गुलजार रहती हैं, लोगों की भीड़ अलग अलग जगहों में बाजारों पर देखने को मिलती रहती है, लेकिन फिलहाल जो गर्मी है इससे लखनऊ की सड़कों की क्या वो रौनक चली गई है? क्योंकि जिस पारे के साथ फिलहाल जो पारा नजर आ रहा है उसमें लोगों का बाहर निकलना मुझे लगता है बिल्कुल मुश्किल नजर आता है। जी बिल्कुल, आपको बता दें हम इस समय मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के माल एवेन्यू क्षेत्र में, जिस सड़क पर हम खड़े हैं लगातार यहाँ पर लोगों की आवाज़ आ ही रहती थी, लेकिन गर्मी इसमें इतनी भीषण है। कैमरामैन से दिखाना चाहेंगे जो सड़क है ये पूरी तरह से सड़क इसमें सन्नाटे में डूबी हुई है। इतनी भीषण जो गर्मी पड़ रही है जिसको लेकर कोई भी आदमी घर से निकल नहीं रहा है, बहुत ही मजबूरी में जिसको कहीं ऑफिस जाना है या कोई बहुत जरूरी काम है उसकी वजह से केवल बाहर निकल रहे हैं। जो व्यस्ततम जो सड़क थे लखनऊ के वो इसमें भीषण गर्मी की वजह से लगातार सुनसान नजर आ रहे हैं, लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हुए। बात की जाए आम आदमी को छोड़ के जो पशु पक्षी हैं और जो पेड़ पौधे हैं ये सब बेहाल हैं बुरी तरीके से। अभी राजधानी लखनऊ में इसमें 42 डिग्री सेंटीग्रेड पारा है और उमस लगातार बढ़ती जा रही है। उमस के कारण जो जो कूलर और पंखे थे बेकार हो गए हैं और लोग घरों में भी उनको राहत नहीं मिल पा रही है, लगातार पसीना निकल रहा है और जो सड़कें हैं लगातार सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं यहाँ पर। और आने वाले दिनों में अभी फिलहाल राहत मिलने की संभावना नहीं, मौसम विज्ञान विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ अभी हीट वेव चलने की चेतावनी भी जारी की है। लगातार जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर हीट वेव चल रही है, लगातार पारा जो है बढ़ता जा रहा है। मौसम विज्ञान के अनुसार अभी आने वाले दिनों में और भी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी। लगातार इस बार जो गर्मी पड़ रही है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, जो पर्यावरण है प्रदूषित होने की वजह से इस बार लगातार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ती जा रही है। अभी फिलहाल राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। बिल्कुल, यानी राहत मिलने के अभी भी कोई आसार जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। और भी संवाददाता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भोपाल से सुनील मालवीय हैं और रोहित मिश्रा हमारे साथ में रायपुर से हैं। सबसे पहले रोहित मिश्रा के पास चलते हैं रायपुर से। रोहित, रायपुर में फिलहाल क्या कुछ स्थिति है गर्मी की, क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, लोग परेशान और लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। रोहित, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, आप सबसे पहले अनम्यूट करें। हेलो जी, जी आवाज आ रही है, बोलिए।
बिल्कुल, मैं बता रहा हूं कि जो टू व्हीलर पे चल रहे हैं उनके चेहरों पे जो है स्कार्फ बन चुके हैं, अगर जो फोर व्हीलर पे चल रहे हैं उनके एसी का कांटा फुल हो चुका है, क्योंकि राजधानी रायपुर में इस समय जो गर्मी है वो रिकॉर्ड तोड़ स्थिति पे पहुंच चुकी है। यहाँ के टेम्परेचर की बात करें तो एकदम 44 से 45 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर इन दिनों पे है, लेकिन हालांकि कल रात की थोड़ी बारिश ने आज मौसम को थोड़ा सुस्त बनाया है। आज का टेम्परेचर लगभग 38 डिग्री सेल्सियस पे बना है, लेकिन अभी भी आगे गर्मी से राहत मिलती हुई छत्तीसगढ़ में फिलहाल नहीं दिख रही है, क्योंकि जो लगातार जो गर्मी की स्थिति है वो मौसम विज्ञानी के अनुसार भी कह रहे हैं कि जो स्थिति है वो लगातार बढ़ती जाएगी। सेल्सियस यहाँ का 38-39 तक पहुंचने के आसार बता रहे हैं कि अगले 3-4 दिनों में जो गर्मी है वो काफी बढ़ती जाएगी। आम लोगों की बात करें, आम लोग काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो अमूमन जो दो पहिया बाइक से सफर करने वाले लोग हैं कहीं ना कहीं ज्यादा गर्मी का असर उनको झेलना पड़ रहा है। लू भरी हवाएं चल रही है दोपहर में, इससे कहीं ना कहीं लोग परेशान जरूर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी लोग परेशान हैं, लोग बेहाल हैं, क्योंकि गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सुमन मालवीय के पास चलते हैं। सुमन, क्योंकि हम देख रहे हैं गर्मी के चलते न सिर्फ इंसानों का बल्कि जानवरों का भी बुरा हाल है, जगह जगह पर हम देख रहे हैं बहुत से से भी लोग उनके लिए पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, पीने के पानी के लिए अलग अलग जगहों पर कुछ नांद वगैरह लगाए जा रहे हैं, क्या ऐसा भोपाल में भी नजर आ रहा है? क्योंकि ऐसे में न सिर्फ इंसान परेशान है बल्कि जानवर भी परेशान नजर आ रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल गरिमा, अगर भोपाल राजधानी की बात की तो भोपाल में भी क्या शहर के आसपास जो घर है उनके घर के बाहर लोगों ने जो जानवर है उनके लिए पीने के पानी रखा है, लोगों ने अपनी जो क्षमता अनुसार, लेकिन मध्यप्रदेश शासन और सरकार की बात किया तो सरकार की तरफ से कोई ऐसे उचित इंतजाम नहीं किए गए हैं जानवरों के लिए। क्योंकि खास बात और बात करूं अगर मैं इंसानों की या मानवता की, तो मध्यप्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर इंसान भी पानी के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि बढ़ती गर्मी के कारण वाटर लेवल नीचे जा चुका है, इसके कारण कई लोगों को पानी पीने की समस्याओं का भी सामना उठाना पड़ रहा है। जी गरिमा, बिल्कुल, यानी लोगों को साथ साथ जानवर भी जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में और भी संवाददाता लगातार बने हुए हैं, कुलदीप भारत दिल्ली से हैं। कुलदीप, दिल्ली की बात करें तो हम देख रहे हैं दिल्ली में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है, दिल्ली में सबसे ज्यादा संख्या उन लोगों की है जो दफ्तर जाते हैं, ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत समस्याएं उन लोगों के सामने आ रही हैं, क्या और तैयारियां कर ली गई? क्योंकि गर्मी के इस मौसम में बीमारियां भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, हीट स्ट्रोक का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो क्या लोग प्रिकॉशंस लेते हुए नजर आ रहे हैं? कुलदीप, आप अनम्यूट करें पहले, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए, राजधानी दिल्ली में गर्मी का प्रकोप देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी स्कूलों के अंदर जो आमतौर पर 45 दिन की छुट्टियां पड़ती थी उसको 15 दिन की कर दिया, क्योंकि फिलहाल 2 साल बाद स्कूल खुले, ऐसे में कहीं ना कहीं स्पेशल क्लास ली जा रही है, इसमें 15 दिन की राहत है। लेकिन जो दूसरी पार्टियां, उन्होंने भी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है उनसे अपना बात करी है कि स्कूलों को गर्मी के कारण जल्दी बंद करा जाए, स्कूल का टाइम थोड़ा चेंज कराए, क्योंकि बच्चों को स्कूल से गर्मी के अंदर निकलना और गर्मियों में बैठना बड़ा भारी हो रहा है, क्योंकि जो सरकारी स्कूल है उनमें पंखे के अंदर बैठना नामुमकिन है, क्योंकि जब आमतौर पर लोगों के घरों के अंदर पूरा दिन एसी चल रहा है फिर भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। और जो इस वक्त जब मैं दिल्ली के एक मोगलपुरी की मेन सड़क पर खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे देख सकती है दिल्ली की मोगलपुरी की मेन सड़क है, जो आमतौर पर पूरी सड़क जाम रहती है गर्मी के कारण, लोग घरों पर कैद होने के मजबूर है और घर पूरी तरह से ये रोड खाली पड़े हैं इलाके के। बिल्कुल, यानी लोगों की भीड़ जो है वो अब घरों में रहने को मजबूर नजर आ रही है, सिर्फ वही लोग बाहर निकल पा रहे हैं जिन्हें मजबूरन किसी न किसी काम से निकलना पड़ता है। देखिए, लगातार सालों का रिकॉर्ड जो है वो टूट रहा है। पवन, आप बताइए लखनऊ में भी क्या व्यवस्थाएं की गई हैं गर्मी से बचने के लिए? अलग अलग जगहों पर गर्मी के मौसम में लोगों की ओर से प्याऊ की व्यवस्था की जाती है, क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी से गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं? जी बिल्कुल, जैसे इसमें भीषण गर्मी पड़ रही है उसको देखते हुए मौसम विज्ञान विभाग ने भी चेतावनी जारी की है कि जब भी धूप में निकले तो पूरे फुल स्क्रीन के कपड़े ही पहन के निकले और समय समय पर लगातार पानी पीते रहें जिससे उनको डिहाइड्रेशन ना हो। वहीं बात की जाए मोहल्लों की, जानवरों के लिए मोहल्ले पर लोगों ने अपने घर के सामने एक नांद जैसी बना के उसमें पानी भी रखा हुआ है जिससे जो जानवर हैं उनको पानी लगातार मिलता रहे। वहीं जो चिकित्सा अधिकारी हैं उन्होंने भी सन स्ट्रोक और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए अपनी तरफ तमाम तरह की एडवाइजरी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार जब भी बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। दोपहर के समय जो इस समय हीट वेव चल रही है जिससे बचने के लिए लगातार सलाह दी जा रही, पानी पीते रहें और फुल स्क्रीन के कपड़े का ही प्रयोग करें और चेहरे को भी ढक कर रखें। लगातार इस तरह की एडवाइजरी जारी की जा रही है क्योंकि जो गर्मी का मौसम है और जिस तरह हीट वेव चल रही है इससे जो है सन स्ट्रोक का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़
गया है, जिसको लगातार इस समय चिकित्सा अधिकारियों और मौसम विज्ञान विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की जा रही है। बिल्कुल, यानी प्रशासन भी जो है वो अलर्ट हो चुका है और एडवाइजरी उनकी ओर से जारी की जा रही है। रोहित से जानते हैं, रोहित हमारे साथ में फिलहाल नहीं बने हुए, हम सुनील मालवीय के पास चलते हैं। सुनील, क्या प्रशासन की ओर से भी तैयारियां गर्मी को लेकर की गई हैं? जी बिल्कुल, गर्मी में आपको बताना चाहूंगा, प्रशासन की तरफ से गर्मी की तैयारी यहाँ पर बिल्कुल नहीं की गई है, लेकिन कुछ जो लोग हैं यहाँ कर, जो मध्यप्रदेश के रहवासी हैं, जो सोसाइटी में रहते हैं, उन लोगों ने प्याव के लिए, जानवरों के लिए एक अलग से एक मटका टाइप का, कुंडा टाइप का भर रखा है कि जिससे जानवर गर्मी में निकले और वो पानी पी ले। जी गरिमा, बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो प्रशासन भी बरतता हुआ नजर आ रहा है। सुमन, आप बताइए, क्या कुछ खास तैयारियां प्रशासन से हैं? अभी आपने दिखाया कि गर्मी से किस तरह से लोग परेशान हैं, लेकिन प्रशासन ने क्या कुछ तैयारी की है इस गर्मी के मौसम से निपटने के लिए? क्या लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है? जयपुर के अंदर पूरी एडवाइजरी है और यहाँ पे देखा जाए तो प्रशासन ने जगह जगह प्याव का इंतजाम किया है, पानी का प्रभाव किया है, हॉस्पिटलों के अंदर जो है नर्सिंग स्टाफ है उनको वो दिया गया है सारा। और जिस भी मतलब सड़क के ऊपर भी अगर चेक करा जाए, तो सड़क के अंदर भी जो अपना जो होता है वो भी उन्होंने उसमें लगाया गया है कि ट्रैफिक के अंदर भी चलते हैं लोग, पानी की छिड़काव किए जा रहे हैं रोड के ऊपर की टायर को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हाईवे के अंदर देखा जाए तो हाईवे तक प्रशासन ने अपनी पूरी जान और जान लगा रखी है और पब्लिक जो है निकलने को तैयार नहीं, एसी फेल है और प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है गर्मी को लेकर और गर्मी से कहीं अपना बिल्कुल, यानी गर्मी जो है वो लगातार रिकॉर्ड्स तोड़ते जा रही है और पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और गर्मी का हाल हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो गर्मी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और उफ, इस गर्मी से पूरी जनता परेशान नजर आ रही है। देखना होगा कि आखिर इस भीषण गर्मी से निजात कब मिलती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।